रानीपुर सीबीएसई की क्लास 10वीं के रिजल्ट ने खोली कई प्राइवेट स्कूलों की पोल। जी हाँ, 99.5% के ऊपर रिजल्ट आने के बाद भी कई बच्चे परीक्षा में फेल हुए हैं तो कई बच्चों की मेरिट बिगड़ी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट कल बोर्ड ने जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होते ही मऊ रानीपुर नगर में कई ऐसे विद्यालय सीबीएसई पैटर्न का बोर्ड लगाए हुए हैं जबकि उनकी सीबीएसई बोर्ड की कोई मान्यता नहीं है। वो किसी दूसरे विद्यालय में बच्चों को अटैच करके अभिभावकों से अच्छी खासी फीस वसूली है जिसका परिणाम के रिजल्ट आते ही अभिभाषकों के पैर तले जमीन खिसक गई कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे जिन्होंने दिन रात मेहनत कर पढ़ाई की और वे फेल हो गए। बच्चों ने आरोप लगाया है कि विद्यालयों के प्रबंधकों ने प्रवेश लेते समय बड़ी बड़ी बातें की और बताया कि विद्यालय मान्यता प्राप्त है लेकिन जब रिजल्ट आया तो दूसरे विद्यालय में नाम पाया। बच्चों ने बताया कि स्कूल प्रबंधकों ने अपनी सगी संबंधियों जिन्होंने न तो क्लास 11 में कोई परीक्षा दी और ना ही कभी स्कूल में पढ़ने आए और ना ही क्लास 12वीं की बोर्ड की परीक्षा दी और उनके रिजल्ट 80 से 90% आए हैं जिसकी जांच होना अति आवश्यक है तथा ऐसे विद्यालय जो सीबीएसई बोर्ड के नाम बच्चे व अभिभाषकों को लूट रहे हैं उनकी जाँच करवाई जाए। नई बस्ती में स्थित एक विद्यालय के छात्रों का गुस्सा रिजल्ट देखकर पारे पर चढ़ गया। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने उन्हें स्कूल की मान्यता होने की बात कहकर उनसे मोटी फीस ली और विद्यालय में 43 बच्चों में से 40 बच्चे फेल पाए गए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज तुलसी अग्रवाल। तुलसी अग्रवाल, आप कहाँ खड़ी हैं? यहाँ पर हम प्रताप स्कूल में खड़े हैं। क्या समस्या हो गई है? हम लोग की ये समस्या हो गई जो हम लोग का जो फाइनल रिजल्ट आया है उस समय मतलब कंपार्टमेंट लगा दी उन लोग ने मेन सब्जेक्ट में, वही मैथ में। हम लोग के 10th में मैथ में अच्छे नंबर थे, 76 थे और 11th में भी अच्छे थे लेकिन 12th में उन्होंने फाइनल में ही मैथ में 21 दे दिए 80 में से। आप लोग किसी स्कूल से अटैच हैं या यहीं प्रताप में? नहीं, हम लोग डॉक्टर के एन मेमोरियल से अटैच हैं, छतरपुर में है जो। अच्छा, कौन है आपके प्रबंधक? धर्मेंद्र पटेल सर। धर्मेंद्र पटेल सर, तो उनको फोन लगाया आपने? हाँ, उनका फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है, उसी दिन से स्विच ऑफ जा रहा है जी। गुड़िया, क्या नाम है आपका? सुष्मिता सिंह राठौर। कहाँ की स्टूडेंट हैं आप? प्रताप इंटरनेशनल। क्या समस्या हो गई आज? सर एक्चुअली हम लोग की तो जो 10th में परसेंटेज थी वो 90-85 की अवब थी और इस बार हम लोग की कंपार्टमेंट लगी वो मेन सब्जेक्ट में जिसकी बायो मैथ थी उसमें कंपार्टमेंट लगवा दी उन्होंने। और अगर टीचर्स को फ़ोन करो, स्टाफ को, स्कूल को, तो कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। उसी दिन से सबकी स्विच ऑफ है, जो स्कूल के मेन प्रिंसिपल है उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, घर पे वो मिल ही नहीं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? गुंजन चतुर्वेदी। किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? हम लोग डॉक्टर के एन मेमोरियल के स्टूडेंट्स हैं जो कि छतरपुर, अभी प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में है जो कि छतरपुर में जो डॉक्टर के एन मेमोरियल स्कूल है उससे अटैच है। अच्छा, तो क्या समस्या हो गई है आपको आज? सर हम लोग, सर मेरे 10th क्लास में हाईएस्ट 3 सब्जेक्ट्स में 96, 95, 92 मार्क्स थे। 11th क्लास में मेरे बारे में 70 out of 70 मार्क्स थे और 12th क्लास का जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें मुझे 70 में से सिर्फ 27 मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर लगभग कितने बच्चों का एडमिशन था? यहाँ पे टोटल 40 or 42 के आसपास थे बच्चे। जिसमें से कितने बच्चे पास हुए हैं? सिर्फ 2-3 बच्चे पास हुए हैं, बाकी सारे बच्चे और बाकी सब फेल हैं। वो भी सब जिनका मेन मैथ सब्जेक्ट है उसको, उन सबको मैथ में फेल कर दिया। उस बच्चे को भी मैथ में फेल कर दिया जिसके 10th क्लास में मैथ में 100 में से 96 मार्क्स हैं, उसे की मैथ में कंपार्टमेंट दे दी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजा सोनकर। कहाँ के स्टूडेंट हैं आप? हमें प्रताप इंटरनेशनल स्कूल मऊरानीपुर। क्या समस्या हो गई है? समस्या ये हुई है कि जो हमारा स्कूल है, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारा स्कूल है अटैच छतरपुर के डॉक्टर के एन मेमोरियल पब्लिक स्कूल। तो जो हमारे क्लास में जितने सारे बच्चे थे लगभग उसमें 2-3 बच्चे पास हुए हैं, बाकी सबको कंपार्टमेंट नहीं है। बायो वालों का आए हैं टोटल 17 मार्क्स सारे स्टूडेंट और मैथ वालों के 23 मार्क्स, उसमें कंपार्टमेंट लगा दिए। तो आप लोगों ने स्कूल प्रशासन से बात की है? इस प्रशासन वाले कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, ना कोई सर है जिसने फीस जमा की थी, ना वो, ना ये स्कूल वाला जो स्कूल का है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इस टाइम हम लोग बहुत ही बेबस हैं, बताएं हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। हम लोग एसडीएम के पास जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। कैनन न्यूज़ के लिए झांसी से मनीष साहू के साथ सौरभ भार्गव की रिपोर्ट।